मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, डी इज इक्वल टू डी। बच्चों को मारिए मत सर। आप में से किसी को भी लगता है कि मेरा बच्चा निकम्मा है, पढ़ता नहीं है, सर एक बार हमसे मिलवाइए सर। सर दिशा, दिशा सर, मारने से कुछ नहीं होता सर, मारिए मत। मैं राजेश पांडे जी को इसीलिए और बड़ी इज्जत करता हूं, उनका बेटा है, अपने बेटों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात, उनकी बेटी आईएएस क्वालिफाई कर चुकी, बेटा एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट। मैंने ऐसे कई सारे पेरेंटों को देखा, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, कूद कर गर्दन पकड़ ली बच्चे की। सर प्रतियोगी परीक्षा मतलब प्रेशर। और मान लीजिए बच्चे का नहीं हुआ, और अगर माँ बाप कहते कोई बात नहीं बेटा 10 बार नहीं होगा तो भी तुझे खिलाएंगे, सर उसका बहुत असर पड़ता है। अगर आपके घर का कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है तो माँ बाप से मैं सादर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वो प्रेशर में है, उस पर दूसरा प्रेशर मत बनाइए। हमारे एक दोस्त हैं सचदेवा साहब, उनकी बेटी है सुमेधा सचदेवा, पौड़ी से। सर मैं तो सोचता हूं ऐसे बाप हर आदमी को मिलना चाहिए। मतलब सुमेधा सचदेवा के जो पिताजी है ना सर, मतलब वो बेटी को तो अरे ठीक है, वो जैसा आप बिजनेस कर रहे हैं, ये करेगी, इंडस्ट्री लगाएगी, प्रेशर नहीं देते सर, पूछते नहीं सर। सर प्रतियोगी परीक्षा मतलब दबाओ, प्रतियोगी परीक्षा मतलब दबाओ। उसमें जब परिवार दबाव देता है कि अगर एक साल में नहीं निकाल पाए तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, सर वो अलग बात है सर, आप दूसरा दबाव पैदा कर देते हैं, वो बच्चा दो दो दबाव में फंस जाता है सर। 21 साल कितनी उम्र होती है सर, आप सोचिए, आप 21 साल में कितने बड़े बड़े फैसले करते थे,